हेलो, मैं जितेंद्र शुक्ला हूँ और 2013 बैच से छत्तीसगढ़ कैडर से आईपीएस ऑफिसर हूँ। आफ्टर ट्रेनिंग जो हमारा एनपीए में कंप्लीट होता है, 2014 में मैंने अपनी ट्रेनिंग एनपीए में कंप्लीट की और 2015 में छत्तीसगढ़ कैडर में एज ए प्रोबेशनर मैं आया। मेरा प्रोबेशन बिलासपुर ज़िले में हुआ था और एज ए प्रोबेशनर जब भी आप आते हैं तो आपके लिए ग्राउंड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग में सिखाया गया रहता है वो एकदम अलग दुनिया रहती है। पुलिस की दुनिया वैसे भी एकदम अलग होती है, सभी के सोच से, सभी के थिंकिंग से एकदम अलग दुनिया रहती है। और जब आप ट्रेनिंग करके आते हो और जो ट्रेनिंग में सिखाया गया रहता है ग्राउंड पे, उसके बीच में भी बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो मुझे एज ए प्रोबेशनर बिलासपुर ज़िले में सर्व करने का मौका मिला था। सात आठ महीने के आसपास प्रोबेशन टाइम रहता है, जिसमें मैं बिलासपुर ज़िले में एसपी ऑफिस से संबद्ध रहकर, फिर कोटा थाने में थाना प्रभारी रहकर, और फिर एसडीओपी ऑफिस में मेरे एसडीओपी थे शमशीर खान, उनके साथ रहकर बहुत सारी चीज़ें पुलिसिंग की ग्राउंड से सीखते हैं। और चूँकि प्रोबेशन सीखने का टाइम रहता है, जो आपको पढ़ाया गया रहता है उसकी ग्राउंड रियलिटी या ग्राउंड से कनेक्ट करके उसको सीखना रहता है, तो उन 6-7 महीने में हम सिर्फ सीखने पे फोकस करते हैं। उसमें बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, क्योंकि एकदम फ्रेश रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेके, क्राइम से लेके, या ग्राउंड सिचुएशन से लेके, स्टेट भी एकदम नया रहता है, डिस्ट्रिक्ट भी एकदम नया रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें एकदम अप्रत्याशित या ऐसी चल रही होती हैं कि आपके लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस होते हैं। तो वो सीखने का दौर होता है, उसमें हम गलतियों के माध्यम से सीखते हैं, काम करके भी सीखते हैं। तो मैंने बिलासपुर में वो सीखा, बिलासपुर में अपने ट्रेनिंग के दौरान के बाद फिर मेरी पहली पोस्टिंग जो एज ए CSP हुई, वो CSP अंबिकापुर में थी। ज़्यादातर उसको पुलिस की भाषा में प्रोबेशन नहीं माना जाता, बट इन जनरल CSP और एडिशनल SP को भी हम लोग प्रोबेशनल ही ट्रीट करते हैं। तो ट्रेनिंग करके सीखने के बाद मुझे पहला जो काम करने का जो अनुभव मिला या मौका मिला, वो अंबिकापुर CSP के रूप में मिला। और मुझे लगता है कि मुझे ग्रो करने में या मुझे बनाने में उस पोस्टिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंबिकापुर CSP में मुझे काम करने का बहुत ही अच्छा मौका मिला। वहाँ पे बहुत ही डिफरेंट तरीके के क्राइम्स और लॉ एंड ऑर्डर या पुलिसिंग से रिलेटेड जितने भी सिनेरियो हो सकते हैं उस शहर में थे। करीब 9 महीने के आसपास मैं CSP रहा, CSP अंबिकापुर, और उस दौरान मुझे फ्री हैंड दिया गया, SP सर के द्वारा फ्री हैंड दिया गया कि आप अपने तरीके से जो भी आप सीखे वो करिए। और उस आज़ादी से करने के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। वहाँ से फिर मेरी अगली पोस्टिंग एडिशनल SP नक्सल ऑपरेशन सुकमा हुई, और CSP अंबिकापुर से फिर मई 2016 में मैं एडिशनल SP नक्सल ऑपरेशन करके पोस्टिंग मिली और मैं सुकमा गया। दोनों ही एकदम अलग सिनेरियो, अलग प्लेटफॉर्म, एक शहर पुलिसिंग थी और उसके बाद फिर वहाँ से उतर कर आपको एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ से एक्सट्रीम साउथ मोस्ट छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग मिली। और मुझे हमेशा, जब से मैं छत्तीसगढ़ कैडर में मिला था, मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन एडिशनल SP नक्सल ऑपरेशन सुकमा बनूंगा, और मुझे वो एक चॉइस पोस्टिंग टाइप की मिली। मुझे बहुत खुशी हुई थी उस समय। मुझे लगा था कि, क्योंकि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ कैडर में काम करने का मतलब ये है कि अगर आप नक्सल ऑपरेशन से नहीं फेस किए, अगर आप नक्सल ऑपरेशन पे अच्छा काम नहीं कर पाए, तो फिर छत्तीसगढ़ कैडर में होने से कोई खास फ़ायदा नहीं है। तो वो पोस्टिंग एकदम ड्रीम पोस्टिंग टाइप की थी। वो फीलिंग ही, मतलब मैं बता नहीं सकता है कि जब लिस्ट में अपना नाम देखा सुकमा में के लिए, तो वो अपने लिए एकदम एक्साइटिंग के साथ और भी बहुत सारी मिक्स फीलिंग थी कि नहीं, चलो जो चाह रहे थे अब वो करने का मौका मिला है। तो वहाँ से एडिशनल SP नक्सल ऑपरेशन सुकमा गए और ऑलमोस्ट 19-20 महीने बहुत अच्छे ढंग से नक्सल ऑपरेशन पे काम किया, नक्सल ऑपरेशन हैंडल किया। और सुकमा में उस दौरान 2016 से लेके दिसंबर 2017 तक काफ़ी सारी उपलब्धियाँ सुकमा पुलिस के पास थी, इवन बस्तर पुलिस के पास। बस्तर पुलिस ने उस दौरान काफ़ी अच्छा नक्सल ऑपरेशंस पे काम किया था और काफ़ी
अच्छे कामों के द्वारा जो रीच थी, जो बहुत लिमिटेड थी बस्तर में पुलिस की, उसको कंप्लीट किया, उसको कवर किया।